अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा एलिमेंटर के अंदर न्यू ऑप्शन के अबाउट, जो कि आपको कंटेनर के नाम से देखने को मिल रहा होगा। पहले यहां पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता था जिसका नाम था इनर सेक्शन। अब जब भी आप एलिमेंटर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते हैं और कोई भी पेज एडिट करने की कोशिश करते हैं तो आपको इनर सेक्शन वाला ऑप्शन नहीं मिलता, उसकी बजाय आपको कंटेनर वाला ऑप्शन मिलता है। अगर आप कंटेनर की बजाय वापस इनर सेक्शन वाला ऑप्शन ही देखने चाह रहे हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है किस तरह से वो ऑप्शंस आप वापस लेके आ सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि किस तरह से आप इस स्पेसिफिक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और जो इनर सेक्शन वाला ऑप्शन था उनके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस थी और क्यों उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और उसकी जगह पर कंटेनर वाला ऑप्शन ऐड किया गया और कंटेनर वाले ऑप्शन को किस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं अगर इनेबल नहीं है और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे न्यू फीचर्स हैं जो कि उसके अंदर आए हैं और उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इंतहाई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बआसानी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो कंटेनर के अबाउट ही होने वाली है और मैं आपको प्रैक्टिकली डिफरेंट लेआउट्स बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से ये काम करेगा। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर विदाउट वेस्टिंग टाइम और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह से हम कंटेनर वाला ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने इस कंटेनर वाले ऑप्शन को यूज़ करना और किन रूल्स के ऊपर ये कंटेनर बेस कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, एक सेक्शन ऐड करूँगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आएगा। देखिए बॉटम की तरफ, राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे इन डायरेक्शंस का क्या मतलब है और किस तरह से इनको यूज़ करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को थियोरेटिकली ये बात समझा दूँ कि जो ये कंटेनर है ये दो चीज़ों पर बेस कर रहा है, एक डायरेक्शन के ऊपर और दूसरा अलाइनमेंट्स के अंदर। तो किस तरह से डायरेक्शन काम करते हैं, किस तरह से अलाइनमेंट काम करते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बॉटम की तरफ एक ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सिंपल कुछ इस तरह से यहाँ पे एलिमेंट में ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अगर मैं इस पूरे सेक्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है, बॉटम की तरफ है। तो हमारी सारी चीज़ें क्या आएंगी, बॉटम की तरफ आएंगी। अब इसको मैं लेफ़्ट पे करूँगा तो यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट पे टेक्स्ट आ गया, ये राइट पे इमेज आ गई। इसको मैं राइट की तरफ करूँगा, देखें इस तरह से, तो ये होगी डायरेक्शंस हमारे पास, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमें जिस तरह से इनर सेक्शन को यूज़ करते थे तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैंने इसको वापस लिया कुछ इस तरह से और मैं इनको क्या कर देता हूँ, वापस डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट किया, अब यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ऐड किया। कंटेनर के अंदर जिस तरह से हम इनर सेक्शन ऐड करते थे, कंटेनर के अंदर मैंने टेक्स्ट ऐड किया, टेक्स्ट के बाद लेट्स से मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, अब इस कंटेनर पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखें इसकी जो डायरेक्शंस हैं या यहाँ पे हमारे मेन सेक्शन की डायरेक्शंस हैं वो बॉटम की तरफ हैं, तो इस तरह से शो हो रहे हैं। लेकिन अब इस वाले कंटेनर की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, डायरेक्शंस और ये अलाइनमेंट्स। तो मैं अगर इस वाले सेक्शन के अंदर मैं चीज़ों को चाह रहा हूँ कि ये अब लेफ़्ट और राइट की तरफ आएँ तो यहाँ पर देखें मैं कुछ इस तरह से इसको ऐड कर दूँगा। ये देखें लेफ़्ट और राइट की तरफ चले गए, इस तरह से ऐड करूँगा, इस तरह से और इस तरह से, राइट। देखें ये टेक्स्ट नीचे आ गया, तो जिस तरह से भी मैं इनको डायरेक्शंस दूंगा वो डायरेक्शंस उस तरह से सेटअप हो जाएंगी। अभी के लिए मैं इसको वापस इसी तरह से कर देता हूँ। अब लेट्स से मुझे दो सेक्शंस चाहिए, जिस तरह से हम इनर सेक्शन चाह रहे थे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले सेक्शन को वापस डुप्लीकेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें इस पूरे सेक्शन में दो कंटेनर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले पूरे सेक्शन के अंदर ये जो दो कंटेनर हैं वो एक लेफ्ट पे आ जाए, एक राइट पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से, देखिए वही वाला लेआउट बन गया जो कि हम इनर सेक्शन के अंदर देखते थे। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से जो इनर सेक्शन है उसको एक इनर सेक्शन के अंदर किसी रो के अंदर ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वापस आए, कंटेनर हमने लिया और यहाँ पे देखें इस वाले स्पेसिफिक के अंदर इस कंटेनर ऐड कर दिया। और यहाँ पे क्या है, इस कंटेनर की अलहदा से प्रॉपर्टीज हैं। अब किस तरह से है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे एक बटन ऐड करना है तो मैंने बटन ऐड कर दिया, वापस मुझे दो बटन चाहिए, एक और बटन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे वापस एक और बटन ऐड कर दूंगा इसी कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पे देखें, सॉरी ये कंटेनर से बाहर चला गया तो मैं इसको कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। तो ये कंटेनर के अंदर दो बटन आ गए। अब मैं इस कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा और इसको इनको डायरेक्शंस दे दूंगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स हैं, मैं किस तरह से इनको अलाइन करूंगा वो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, राइट। जिस तरह यहाँ पे देखें
ये जस्टिफाई कंटेंट है। अब ये अलाइनमेंट्स क्यों शो नहीं हो रही, ये इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि गैप नहीं है टॉप और बॉटम से। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आता हूँ और हाइट कर देता हूँ इसको, लेट्स से VH में कर देते हैं और इसकी हाइट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ें अलाइनमेंट्स काम कर रही हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से इनको गैप में ऐड करना चाहें या क्या नहीं करना चाहें, और यहाँ पे आप कस्टम गैप्स वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं और कंटेनर को यूज़ करते हुए आप कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आप एक कंटेनर के अंदर और कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, तो इस तरह से आप कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को अचीव कर सकते हैं जो कि इनर सेक्शन वाले ऑप्शन से कई हद तक पॉसिबल नहीं था। हमें कस्टम CSS यूज़ करनी पड़ रही थी। बाय द वे, अगर आपको कस्टम CSS के रेलिवेंट कंप्लीट लेक्चर देखना है तो आप YouTube चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कंटेनर वाला ऑप्शन किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप इसको यूज़ करते हुए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को अचीव कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन या किसी भी टॉपिक के रेलिवेंट आपको ट्यूटोरियल चाहिए, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी है या किसी भी तरह की आपको सर्विसेज चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।